हाँ जी 12th। आज बेटा हम डिस्कस करने लगे हैं 14th ऑफ मिसेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 5th चैप्टर। क्वेश्चन क्या है ये, इफ x स्क्वायर रूट 1 प्लस y प्लस y इनटू स्क्वायर रूट 1 प्लस x इज 0 वेयर x लाइज बिटवीन -1 एंड 1 देन प्रूव दैट dy/dx इज दिस। दैट मींस इस इंप्लिसिट फंक्शन से एक्सप्रेशन से आपने dy/dx कैलकुलेट करना। इसको देखो जो नॉर्मल वे में बच्चे स्टार्ट करते हैं बेटा अलजेब्रा यूज कर लेते हैं और फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल फर्दर जहाँ चेन रूल यूज होता है चेन रूल, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, सॉल्व नहीं हो पाता। इसकी जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ एक शॉर्ट ट्रिक बेटा, कैसे आप चेंज करके इसको कर सकते हो। क्या करेंगे हम, सी हमें गिवन है एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज जी, राइट। हम इसकी एक टर्म लेफ्ट में ही रहने देते हैं, दूसरी टर्म राइट में ट्रांसपोज करते हैं। क्या पर्पज है हमारा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, तो हम अब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर कर देते हैं। लेट अस सी क्या चेंज आता है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया और रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर 1 प्लस वाई हो। ऐसे ही राइट में माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब हम इनको ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और राइट साइड में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब हमें दिख रहा है बेटा सिमेट्री कुछ टर्म्स की, यहाँ तीन फैक्टर है, यहाँ तीन फैक्टर है, यहाँ दो फैक्टर है या दो है। हम एक ही तरफ सभी टर्म्स ले आते हैं, बेशक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैं इसके साथ एडजस्ट करना चाहती हूँ और एक्स स्क्वायर वाई ऑलरेडी यही था, माइनस वाई स्क्वायर एक्स में राइट से लिया है, राइट राइट में पॉजिटिव है जो टर्म, यहाँ क्या बेनिफिट होगा। फर्स्ट टू टर्म में मैंने अल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, राइट। तो ये हमारा हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और इन नेक्स्ट टू टर्म्स में से मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो मेरे पास रह गया एक्स माइनस, राइट। यहां से क्या बेनिफिट होगा, दो टर्म्स हो गई एक तरीके से मेरे पास और दोनों टर्म्स में x माइनस वाई फैक्टर है तो मैंने उसे कॉमन ले लिया, मेरे पास ये राइट। अब क्योंकि एक्स वाई दो वेरिएबल यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं क्लियर कट क्वेश्चन में, अगर एक्स वाई इक्वल हो गए तो क्वेश्चन की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है, तो एक्स माइनस वाई को हम नॉट एक्स वाई को नॉट इक्वल एज्यूम करके कट कर सकते हैं, ये फैक्टर हम कट कर सकते हैं, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, ये पॉसिबल। चलिए मैं अगर सीधा भी कहूँ तो का प्रोडक्ट जीरो आ गया, दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, दोनों की इक्वालिटी हम अभी एज्यूम करते हैं कि नहीं है, ये क्वेश्चन की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी फिर, राइट ट्वाइस हो जाएगा उसको ना ही ले हम दूसरे एक्सप्रेशन को लेते हैं तो हमारे पास आता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल। एक्चुअली हमने क्या किया, जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था उससे एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाली, अब यहां से हम कोशिश करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेट अस सी क्या आता है, या यहां से भी आप वाई भी एग्जैक्टली निकाल सकते हो। जस्ट शो यू, x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो आप बेशक इससे ही सीधा dy/dx बाद में इम्प्लिसिट की तरह निकालने के बजाय यहीं से सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल 1 प्लस एक्स डेनोमिनेटर में है तो मैं बेटा इसका स्क्वेयर लेती हूँ पहले। अब मैंने डिफ्रेंशिएट करना है 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स डेनोमिनेटर एज सच माइनस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस भी मैं बाहर ले सकती हूँ
एक्स का डेरिवेटिव 1 चलिए, माइनस एक्स एज सच 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 5। देखिए मेरे पास हो गया माइनस 1, ये आएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, दैट मीन्स 1 ही आएगा, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यही करना था राइट, यही हमने करना था। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग से मॉडिफाई करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप डायरेक्ट करके देखेंगे खुद ही बेटा, कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी, इजी निकाल। ओके चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।